तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा मेरा सिद्धांत यही है कि मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 8.2 आज बताने जा रहा हूँ और एक एक करके सारा का सारा सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। लिखा गया है साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए गुना है, ठीक है। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और यानी साइन 60 डिग्री के मान भरना है। ये सब मान भर कर इसको सोल्व करना है। इसके बाद सारा का सारा सोल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक नया बुक आ रहा है वर्मा का, उसका भी सारा का सारा क्वेश्चन हर वर्ष मैं सोल्व करता हूँ। नया पैटर्न, नया सिलेबस के आधार पर जितना भी आता है एक एक करके सोल्व करके इम्पोर्टेंट सब बता दिया जाता है, ताकि हर स्टूडेंट लगभग मैथ में 99 से 100 में 100 अंक जिस प्रकार लाते हैं और कमेंट करते हैं, इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी आप लोग भी अच्छी तरीका से फुल में फुल अंक करेंगे। तो चलिए, कोई भी वीडियो की आपको ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। तो वो चैप्टर बनाने से पहले इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइन कितना डिग्री का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 खोजना है, 60 डिग्री के मान होता है √3/2 हो गया, ठीक है। अब फिर है कोस 30 खोजना है, कोस यहाँ पर है, ठीक है। कोस 30 डिग्री के मान होता है √3/2, याद रखिएगा इसका भी √3/2 और कोसाइन 60 का √3/2 और कोस 30 का भी होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख दिए हैं साइन 30 और कोस 60, साइन 30 इस बार साइन का 30 यानी 1/2 और कोस का क्या 60 यानी 1/2, यानी इसका भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ और आपको सोल्व करता हूँ। इतना ही नहीं, इस चैनल पर बहुत सारा मैथ का एक एक करके सोल्व किया गया है, और जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा आज तक कमेंट नहीं आया है कि मैं समझे नहीं, बहुत ही बेहतर तरीका से समझाया जाता है। इसलिए ये चैनल कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दे, इच्छा हो तो। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक एक करके सोल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री के मान पहले लिखना है, ठीक है, और कोस 30, साइन 60 कोस 30 इसका मान पहले लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, खोज लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और कोस 30 डिग्री के मान होता है √3/2, दोनों का क्या होता है √3/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 डिग्री के मान यहाँ पर लिख दिए हैं √3/2, कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना, तो गुना लिख दिए। कोस 30 डिग्री के भी मान क्या देखे हैं वहाँ पर, अभी पलटा कर √3/2 आया था, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 और 30 का भी मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब साइन 30 कोस 60, साइन 30 और कोस 60 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी होता है 1/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान भी होगा 1/2 गुना 1/2, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 को 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन रूट में है इसलिए 2 को √3 रहने पर सिर्फ 1 को क्या होता है 3 होता है, याद रखिएगा। 2 को √4 में रहेगा, √4 गुना √4 या √4 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो √3 2 बार रहेगा, तो सिर्फ 3 लिखना है और रूट उट नहीं देना है इसमें, बस हो जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस, इसमें तो रूट नहीं है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे हो गया 4। अब क्या करना है, 4 और 4 का लघुत्तम एक दिन मैं बताया था, 3 3 के लघुत्तम 3 होगा, 2 2 के लघुत्तम 2 होगा, 4 4 के लघुत्तम 4 होगा, 5 5 के लघुत्तम 5 होगा, 7 7 के लघुत्तम 7 होगा, यानी एक ही चीज़ रहेगा, तो उसका LCM यानी लघुत्तम भी क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ होगा यानी 4 ही होगा, ठीक है। अब 4 के 4 4 का बार में एक बार में 1 को 3 से गुना कर देंगे 3, प्लस है प्लस, 4 के 4 4 का बार में एक बार में, अब 1 को 1 बार पढ़ेंगे 1 होगा, यानी कि 3 आ रही क्या हो गया बताइए 4, 4 बटे क्या हो गया 4, कटा दिए यहाँ पर तो कितना बार में 1 बार में, यानी कि 1 आंसर। तो जहाँ होगा 1 आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेंगे तो वही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला मैं बताऊँगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी आगे और भी बताऊँगा,
हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पैराग्राफ, निबंध ऐसे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है। आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो यही एक ऐसा चैनल है जो आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आपका समाधान हो जाएगा। अगला हिसाब है जो काफ़ी ईजी है, ठीक है। 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 है तो लिख देंगे 2, टेन 45 डिग्री के मान लिखते हैं, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री के मान क्या होता है पहले खोज लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, या फिर इसको बनाना है कैसे, अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका ऐसा ट्रिक मैं बता दूंगा कि जीवन में 7 पीढ़ी तक कभी भी नहीं भूलिएगा, यानी जीवन भर आपका याद रहेगा, ठीक है, कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। 10 45 डिग्री के मान होता है 1, 10 45 डिग्री के मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 45 डिग्री के मान क्या हो जाएगा 1। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, 10 45 डिग्री के मान क्या हो जाएंगे 1। तो चलिए इसको मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले करना है क्या, बराबर दे दिए ना। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर तो 2 लिखवे करेंगे, बदलना है 10 45 डिग्री के मान, तो 10 45 डिग्री के मान होता है 1, लेकिन क्या है 10 का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। 2 है तो 2 गुना 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिख दिए, लेकिन ये सब में जो था स्क्वायर नहीं था, तो स्क्वायर नहीं दिए, √3 लिख दिए। लेकिन इसमें क्या है, 10 45 डिग्री का मान दिया गया है 1, और इसमें बोलता है स्क्वायर, तो हम भी ऊपर में क्या कर दिए स्क्वायर। अब ऊपर में है प्लस, तो हम भी लिख दिए प्लस। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस के मान कितना होता है, तो यहाँ पर तो अभी तुरंत लिखे हैं कोस, ध्यान दीजिए कोस 30 डिग्री का मान कितना लिखे, 3/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं √3/2 लिख दिए हैं, स्क्वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर है, इसमें तो स्क्वायर नहीं था तो √3/2 लिख दिए, लेकिन इसमें स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए, माइनस है माइनस, साइन 60 देख सकते हैं साइन 60, तो यहाँ भी लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है ऊपर में, तो हम भी लिख दें स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना कुछ नहीं है, पूरा इजी सवाल है। 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 पहला, √3 के स्क्वायर क्या होगा √3 के स्क्वायर, यानी √3 का बार है यहाँ पर 2, यानी 2 बार, तो यहाँ पर था √3 2 बार था तो सिर्फ 3 लिखे, तो यहाँ भी √3 का स्क्वायर है, यानी √3 का बार है 2 बार है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो एगो प्लस एगो माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, एक ही चीज़ रहने पर एगो प्लस एगो माइनस कट जाता है। अब 2 को 1 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, ठीक है, 2 को 1 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, यही होगा इसका आंसर। या फिर आप यहाँ पर 2 लिख के 2 को 1 से नीचे 1 लिख दीजिएगा और भिन्न के जोड़ घटा बनाइएगा तो आगे सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आपको बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा जहाँ पर 2 रहेगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से मैं डेली बाय डेली वीडियो बनाते रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। पैराग्राफ हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर तरह के वीडियो ग्रामर से लेके लेटर पूरी तरह से भरमार है, इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, ये चैनल को आप हाथ से जाने ना दें, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं अगला दिन बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, कारण क्या वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है।